दोस्तों आज का जो वीडियो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है और आप सभी को कम्प्लीटली वॉच करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2024 में WHO के अनुसार सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करने के बाद उस रिपोर्ट को खुद से घर बैठे पढ़ने का और समझने का सही तरीका क्या है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर इस चैनल पर काफी सारा वीडियोज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपका पूरा का पूरा कॉन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है और जितना दिन बढ़ रहा है उतना दिन आपका कॉन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है, क्योंकि जहां से आप जिस लैब से टेस्ट करते हैं कुछ ऐसा लैब होता है और कुछ ऐसा डॉक्टर भी होता है वो आपको झूठ बताते हैं। यानी कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल होता है फिर भी उन लोग ज्यादा डिमांड करते हैं और आप काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और अलग सा यूट्यूब का अलग सा वीडियो देखने के बाद आप और ज्यादा कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे का और किसी का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, आपको एक बार में ही सब कुछ कॉम्प्लीटली नॉलेज आ जाएगा। और आज मैं आपको WHO के अनुसार सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट का नॉर्मल रेंज बताऊंगा, एक पेशेंट का रिपोर्ट को मैं पढ़ के समझाऊंगा कि सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए और रिजल्ट में क्या क्या आया है वो मैं आप लोगों को कॉम्प्लीटली जानकारी दूंगा। इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को कहीं भी स्किप मत किए, एकदम कॉम्प्लीटली वॉच करके जरूर जाना, वरना अधूरा नॉलेज लेकर आप जाओगे और अधूरा नॉलेज हो सकता है आपका जीवन में काफी सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं और इसको डिटेल्स में समझाने के लिए अभी मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल का स्क्रीन पर, लेकिन तब तक आप आपका मोबाइल का स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, यानी लैंडस्केप मोड कर लीजिए, आपको दिखने में सुविधा हो जाएगा। तो चलिए मोबाइल का स्क्रीन पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कहीं भी स्किप मत किए, एकदम कम्प्लीटली वॉच करके जरूर जाना है। अगर आप कहीं भी स्किप मत करेंगे तो आप अधूरा नॉलेज लेकर जाओगे, इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करके जरूर जाना। तो ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं एक पेशेंट का रिपोर्ट है, कुछ दिन पहले एक लैब से किया था। इस रिपोर्ट को पढ़ के मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि WHO के अनुसार सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए और इस पेशेंट का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था वो भी मैं आपको साथों साथ बताऊंगा, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है टेस्ट नेम, उसके बाद आता है रिजल्ट, उसके बाद यूनिट, उसके बाद रेफरेंस रेंज। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सीमेन एनालिसिस सेमिनोग्राम मेथड से किया जाता है। इसका तीन मेथड है, फिजिकल, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। तो ये तीनों को मैं एनालिसिस करके मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले थोड़ा आप नीचे चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं दिया गया है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में काफी सारा चीज आता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं टाइम ऑफ स्पेसिमेन, यानी कितना टाइम आपने सीमेन को कलेक्शन किए थे, टाइम दिया गया है। कुछ रिपोर्ट में दिया जाता है और नहीं भी दिया जाता है, ये आपको समझना है। उसके बाद आता है टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सा टाइम पे आपका एग्जामिनेशन हुआ था, ये दिया गया है। इसका नॉर्मल रेंज नहीं होता है, आप लोगों को पता ही होगा, यानी ये आपका टाइम को सिर्फ डिटेक्ट करता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है ड्यूरेशन ऑफ एब्सटिनेंस, आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसका जो नॉर्मल रेंज आप देख सकते हैं 2 to 7 days आए, हालांकि 2 to 7 days है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसे 3 to 5 days में अंदर ही रखें। 3 to 5 days का गैप देना है, 3 दिन का पहले नहीं है और 5 दिन का, यानी जो कुल मिला के बाद ये है मिनिमम जो कम से कम 3 दिन का गैप होना चाहिए और मैक्सिमम 7 दिन का गैप होना चाहिए और सबसे बेस्ट है 3 to 5 days का गैप। और यहाँ पर देख सकते हैं डेज कैलकुलेशन किया जाता है और इस पेशेंट का जो गैप था 3 days का गैप था, जो कि नॉर्मली था। उसके बाद आता है लिक्विफेक्शन टाइम, यानी ये जो सीमेन कलेक्शन किया जाता है उसके बाद 37 degrees Celsius के अंदर रखा जाता है, लिक्विफाई किया जाता है। तो ये जो टाइम होना चाहिए इसका नॉर्मल रेंज 30 से लेकर 60 minutes, मिनट्स में कैलकुलेट किया जाता है, 30 से लेकर 60 minutes होना चाहिए। और इस पेशेंट का जो रिजल्ट आया है आप देख सकते हैं 40 minutes, जो कि नॉर्मल है, यानी 40 minutes के अंदर लिक्विफाई हो गया है। तो 30 minutes से कम नहीं होना चाहिए और 60 minutes से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर रहना चाहिए। उसके बाद मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप देख सकते हैं सीमेन का वॉल्यूम। यहाँ पर काफी सारा मिस्टेक्स आप करते हैं, कुछ ऐसा लैब होता है, कुछ ऐसा डॉक्टर होता है, आपको झूठ बताते हैं और आप भी जो समझते हैं वो भी झूठ समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो नॉर्मल रेंज दिया गया आप देख सकते हैं, ध्यान से समझना है आपको, 1.5 ml से कैलकुलेट किया जाता है, 1.5 ml नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है जो एरो का निशान है आप देख सकते हैं WHO के अनुसार,
1.5 ml अगर आपका रिपोर्ट में आएगा तो बॉर्डर लाइन पे रह जाएगा, यानी आपको शायद प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकता है। इसलिए नॉर्मल जो रेंज होना चाहिए 1.5 ml से हमेशा ऊपर होना चाहिए, 1.6 ml, 7 ml, 8 ml, 2 ml तक होना चाहिए। इससे ज्यादा भी होता है और कम भी होता है, तो 1.5 ml से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 ml से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस पेशेंट का जो रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 1.50 यानी 1.5 ml आया, जो कि बॉर्डर लेवल पे है। इस पेशेंट को शायद प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकता है। उसके बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसा है आप देख सकते हैं, विसिट उपाक्यू यानी अपीयरेंस जो होता है अलग अलग से शो कराता है। उसके बाद आता है यहाँ देख सकते हैं कलर, कलर जो है कलर कुछ भी आ सकता है। इस पेशेंट का व्हाइटिस आया है और ये जो कलर है कभी कभी येलो आता है, ब्राउनिश आता है, रेडिश कलर का आता है। तो रेडिश कलर अगर आपको आता है और ब्राउनिश कलर का आता है, येलो कलर का आता है, ये एबनॉर्मल है। आपका जो नॉर्मली कलर होना चाहिए व्हाइटिस होना चाहिए। अगर रेडिश कलर आ रहा है, ब्राउनिश कलर आ रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सीमेन के अंदर जो सेल होता है यानी इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट हो सकता है, आरबीसी प्रेजेंट हो सकता है यानी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कैसा है, ठीक है या गाढ़ा है, आप देख सकते हैं ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है, ठीक भी होता है, गाढ़ा भी होता है। उसके बाद और एक चीज आता है पीएच। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप देख सकते हैं 7.2 से लेकर 7.8, ये भी WHO के अनुसार इसके अंदर ही रहना चाहिए। और इस पेशेंट का 7.5 आया जो कि नॉर्मल है। उसके बाद ये तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन, अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन के बारे में। माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज आता है आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर काफी सारा चीज को देखा जाता है। सबसे पहले आता है टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन यानी टोटल स्पर्म काउंट। ध्यान से समझना है वीडियो को, अभी तक आपको स्किप नहीं करना है, काफी सारा चीज बताने के लिए बाकी है, आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है वरना काफी सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो देखिए ये है स्पर्म का टोटल काउंट यानी टोटल काउंट। टोटल काउंट जो किया जाता है आपका, अगर स्पर्म डेड भी हो जाता है, एबनॉर्मल होता है, उसको भी काउंट किया जाता है यानी आपका स्पर्म बन रहा है या नहीं, टोटल स्पर्म कितना बन रहा है। और यहाँ पर इसका जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, यानी इसका जो एमएल यानी मिलियन पर एमएल, पर एमएल में कितना मिलियन है यहाँ पर शो कराता है आप देख सकते हैं। और WHO के अनुसार इसका नॉर्मल रेंज आपको ध्यान से समझना है 15 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमेन से ऊपर होना चाहिए, बल्कि 15 मिलियन नहीं, काफी सारा डॉक्टर लैब झूठ बताते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 15 मिलियन पर एमएल से ऊपर हमेशा होना चाहिए, 16 मिलियन 17 मिलियन होना चाहिए। अगर 15 मिलियन है तो बॉर्डर लाइन पे है, कभी कभी दिक्कत आ सकता है प्रेगनेंसी के लिए। तो 15 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमेन से ऊपर होना चाहिए और इस पेशेंट का आया है 22 मिलियन यानी नॉर्मल है। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया सीमेन का यानी स्पर्म का टोटल काउंट, काफी सारा डॉक्टर आपको कुछ डिमांड करते हैं 20 मिलियन चाहिए, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, बल्कि 60 मिलियन तक भी डिमांड करते हैं। हालांकि आपका रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं फिर भी डॉक्टर ज्यादा डिमांड करते हैं, कुछ लैब भी ज्यादा अलग सा फॉर्मेट होता है, वहां पर अलग अलग फॉर्मेट दिया जाता है। इस जगह में 15 मिलियन की जगह 20 मिलियन 60 मिलियन तक दिया जाता है, जो कि एक गलत चीज है। आपका जो नॉर्मल चाहिए आप समझ लिया 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका रिपोर्ट में 15 मिलियन से ऊपर है तो आप समझ लेंगे कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, परसेंटेज ऑफ मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए मोटिलिटी का मतलब है स्पर्म का मूवमेंट। कुछ ऐसा स्पर्म होता है जो कि रैपिडली फास्टली मूव करता है, कुछ ऐसा स्पर्म होता है जो कि स्लोली मूव करता है, और कुछ ऐसा स्पर्म होता है जो कि डेड हो जाता है, उसको मोटिलिटी बोला जाता है। यानी स्पर्म का मूवमेंट कितना तेजी से भाग रहा है, कितना हल्का हल्का भाग रहा है, और कितना परसेंट डेड हो चुका है। तो ये जो है मोटिलिटी परसेंटेज से कैलकुलेट किया जाता है। WHO के अनुसार इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आपको ध्यान से समझना है 40% से ऊपर होना चाहिए, 40% से हमेशा ऊपर होना चाहिए, 40% नहीं, ये जो एरो का निशान है आप देख रहे हैं, यानी 40% से ऊपर होना चाहिए। अगर 40% से थोड़ा ज्यादा है, अगर आपका 45 है, 50 है, तो फिर आप समझ लेंगे, यानी 41 है, 42 है, 43 है, तो फिर आप समझ लेंगे कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, ये ऊपर होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी आपका प्रेगनेंसी आने का चांसेस बढ़ जाएगा। और ये जो है ग्रेड 1 ग्रेड बी को लेकर कैलकुलेट किया जाता है, यानी
जो मोटिलिटी होता है, मोटिलिटी को तीन भाग से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, यानी कितना परसेंट स्पर्म रैपिडली मूव कर रहा है, तेजी से भाग रहा है। उसके बाद आता है नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, यानी कितना परसेंट स्पर्म स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। उसके बाद आता है इमोटिल, इमोटिल का मतलब है कितना परसेंट स्पर्म डेड हो चुका है। टोटल मिला के तीनों मोटिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो परसेंटेज है 40% से ऊपर, ये प्रोग्रेसिव मोटिलिटी और नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, यानी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी ग्रेड वन और नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी ग्रेड टू को कैलकुलेट करके दिया जाता है। इस दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का 30 और नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का 15 हो गया ना, 40 आप देख सकते, हो गया 45, आप देख सकते 45 हो गया। तो कुल मिला के जो बात है, परसेंटेज ऑफ मोटिलिटी का मतलब है स्पर्म का मूवमेंट, जिसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए 40% से हमेशा ऊपर होना चाहिए, और रिजल्ट में इस पेशेंट का है 45% जो कि नॉर्मल है। तो अब हम बात करेंगे ग्रेड वन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। ग्रेड वन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का मतलब है कितना परसेंट स्पर्म फास्टली मूव कर रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। तो WHO के अनुसार इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए, आप देख सकते हैं 32% से ऊपर होना चाहिए। आप देख सकते हैं 32%, कम से कम 32% से ऊपर होना चाहिए। ये भी काफी सारा लैब में जो मोटिलिटी होता है, पहले मैंने बताया कि जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होता है अलग अलग सा होता है, जो कि आपको समझने में दिक्कत आ जाता है। तो अगर ये जो रिपोर्ट में जितना सारा बता रहा हूँ आपको, WHO के अनुसार बता रहा हूँ 2024 के अंदर, इसलिए आपका जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का कुल मिलाकर जो परसेंटेज होना चाहिए 32% से हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी ग्रेड बी। नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का हालांकि कोई भी यहाँ पर नॉर्मल रेंज नहीं होता है। उसके बाद जो इमोटिल का है, यानी डेड मोटिलिटी का कोई भी नॉर्मल रेंज नहीं होता है। कुल मिला के देखना पड़ता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है पोस्ट, यानी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी ग्रेड वन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, यानी एक्टिवली मोटिलिटी भी कुछ रिपोर्ट में आप देखते आएंगे फॉर्मेट में दिया जाता है एक्टिवली मोटिलिटी। तो एक्टिवली मोटिलिटी यानी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आपका रिजल्ट में 32% से ऊपर है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। बाकी नॉन प्रोग्रेसिव और इमोटिल मोटिलिटी का ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेड बी और ग्रेड सी, यानी ग्रेड बी और ग्रेड सी नहीं, ग्रेड वन और ग्रेड बी, यानी 30 और 15% कुल मिला के यहाँ पर 45% हो गया, आप देख सकते हैं टोटल मोटिलिटी, समझ गया। उसके बाद आता है, आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह का बताया, इमोटिल यानी ग्रेड सी, यानी डेथ मोटिलिटी भी बोला जाता है, कितना परसेंट स्पर्म डेथ हो चुका है और परसेंटेज से कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं 55 आया है और नॉन प्रोग्रेसिव में 15 आया है। हालांकि इसका नॉर्मल रेंज नहीं होता है, कोई भी ध्यान देने का जरूरत नहीं होता है, 32% को आपको ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और इस पेशेंट का रिपोर्ट में आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी थोड़ा कम आया है, यानी 30% आया है, जो कि प्रेगनेंसी आने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, समझ गए। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब है, आपको ध्यान से समझना है, एग्लूटिनेशन का मतलब है कि आपका स्पर्म एक का साथ, आपका वाइफ का एक का साथ जब फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज कर पाएगा या नहीं, इसको डिटेक्ट करा जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो एंटीबॉडी होता है, वो डिटेक्ट किया जाता है। तो ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, आपको ध्यान में देना है, ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है फिर आपको दिक्कत आ सकता है, आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। और रिजल्ट में आप देख सकते हैं नेगेटिव आए, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद आता है पास सेल। पास सेल का मतलब है कि ये एक टाइप का सेल होता है, यानी एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, जो कि छोटे छोटे दाने टाइप का होता है, एक सेल होता है। और इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए नील होना चाहिए, और पार HPF यानी पार हाई पावर फील्ड में कैलकुलेट किया जाता है। रिजल्ट में आप देख सकते हैं 2-3 आया है, जो कि हल्का सा इन्फेक्शन शो कर रहा है। फिर आपको डरने का जरूरत नहीं है, हल्का सा शो कर सकता है, कुछ सेल शो होता है 1-2, 2-3, 3-5 हो सकता है। अगर ज्यादा हो रहा है 7-8 या तो फिर 10 हाई पावर फील्ड दिख रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ज्यादा आपका पास सेल निकल रहा है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ये जो सेल है, पास सेल प्रेजेंट होने की वजह से आपको काफी सारा दिक्कत आ सकता है, आपका स्पर्म में काफी सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और आपका प्रेगनेंसी आने के लिए काफी सारा दिक्कत आ सकता है। इसलिए पास सेल का जो मतलब है नील होना चाहिए, लेकिन अगर हल्का सा शो करा है 1-2 या तो फिर 2-3,
तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हल्का सा इन्फेक्शन प्रेजेंट कभी कभी आ सकता है, कॉमन चीज है। उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल्स यानी जिसको आरबीसी बोला जाता है। आरबीसी का मतलब है यानी आपका सीमेन में कोई भी ब्लड पास हो रहा है, यानी आरबीसी छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे दाने टाइप का होता है आरबीसी, जो कि सीमेन के अंदर ब्लड पास हो रहा है, यानी कोई भी इन्फेक्शन हो गया। अगर आपका यूटीआई का प्रॉब्लम है, अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से आरबीसी पास हो सकता है। तो ये जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए, नील होना चाहिए, वही सेम प्रॉब्लम है। हाई पावर फील्ड में कैलकुलेट किया जाता है और रिजल्ट में नील आया है, जो कि देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखना है कि आरबीसी पास कर रहा है या नहीं, यानी पास सेल और एपिथेलियल सेल बाद में जो बताऊंगा ये हल्का फुल्का प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर आरबीसी पास हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए आपका सीमेन के अंदर ब्लड पास हो रहा है। उसके बाद आता है एपिथेलियल सेल, आप देख सकते हैं इस पेशेंट का नील है, हालांकि नॉर्मल रेंज भी नील है। एपिथेलियल सेल का मतलब है थोड़ा बड़ा बड़ा सेल होता है, जो कि एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, और ये सीमेन में अगर ज्यादा प्रेजेंट होगा फिर आपका प्रेगनेंसी आने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान में देना है रिजल्ट में क्या क्या चीज आया है। समझ लेना चाहिए कि एपिथेलियल सेल, आरबीसी और पास सेल, ये तीनों चीज आपका नील होना चाहिए। अगर एपिथेलियल सेल हल्का सा शो कर रहा है 1 से 2, 2 से 3, या तो फिर पास सेल 1 से 2, 2 से 3 शो कर रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हल्का सा इन्फेक्शन शो कर रहा है, ये कॉमन चीज है। लेकिन आपको ध्यान में देना है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स अगर शो कर रहा है 1 से 2, 2 से 3, अगर ज्यादा हो गया, प्लेंटी हो गया, 10 से ज्यादा हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको काफी सारा दिक्कत आ सकता है और डॉक्टर से आपको तभी कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो आपने समझ लिया, उसके बाद में बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है वीडियो को, अभी तक आपको स्किप नहीं करना है, काफी सारा चीज आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद आता है, आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्पर्म का नॉर्मली और एबनॉर्मली डिटेक्टेड, यानी कितना परसेंट स्पर्म नॉर्मल है और कितना परसेंट स्पर्म एबनॉर्मल है। कुछ स्पर्म जो नॉर्मल स्पर्म होता है, आप लोगों को पता ही होगा, एक हेड होता है, उसके बाद मिड पीस होता है, उसके बाद टेल होता है, इसके अंदर काफी सारा अलग सा सेल होता है। तो एबनॉर्मल कुछ सेल यानी स्पर्म देखने को मिल सकता है, जैसे कि डबल हेड हो सकता है, डबल टेल हो सकता है, डबल बॉडी हो सकता है। डबल बॉडी बहुत ही कॉमन चीज यानी कभी कभी दिखता है, नहीं भी दिखता है, तो सबसे ज्यादा देखा गया है डबल हेड होता है, डबल टेल होता है, उसके बाद हेड बड़ा होता है, हेड छोटा होता है, टेल टेढ़ा टाइप का होता है, ये एबनॉर्मल है। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आता है नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, यानी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी कितना होना चाहिए, आपको ध्यान से समझना है। काफी सारा डॉक्टर, काफी सारा लैब आपको झूठ बताते हैं, सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका नॉर्मल रेंज जो दिया गया है डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2024 में 4% से हमेशा ऊपर होना चाहिए। 4% नहीं, 4% अगर है, बॉर्डर लाइन पे है, तो फिर प्रेगनेंसी आने के लिए दिक्कत आ सकता है। ये हमेशा 4% से ऊपर होना चाहिए। और इस पेशेंट का हालांकि काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं 70% है, जो कि ज्यादा है, और परसेंटेज से कैलकुलेट किया जाता है। तो काफी सारा डॉक्टर ज्यादा डिमांड करते हैं, 10% चाहिए, 12%, 20% चाहिए, ये गलत चीज है, जो कि WHO के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ओनली 4% से ऊपर होना चाहिए। अगर 5% है, 6%, 7%, 10% है, फिर आप समझ लेंगे कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है और आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं है। आप खुद से घर बैठे समझ सकते हैं जितना सारा मैं प्रॉब्लम यानी जितना सारा मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, खुद से आप घर बैठे समझ सकते हैं कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है। तो आप देख सकते हैं इस पेशेंट का 70% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है और एबनॉर्मल आप देख सकते हैं 30% है, यानी टोटल 100 मॉर्फोलॉजी को कैलकुलेट किया जाता है, जहां पर देख सकते हैं 30 और 70 100 हो गया। और यहाँ पर जो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी 30% आया है, इसका और तीनों कैलकुलेट किया जाता है, यानी एक स्पर्म का तीन जो बॉडी पार्ट होता है, एक है हेड, एक है नेक एंड मिड पीस, और एक है टेल। तीनों बॉडी पार्ट होता है, तीनों बॉडी पार्ट को कैलकुलेशन किया जाता है और कौन सा बॉडी पार्ट का क्या क्या डिफेक्ट आता है वो यहाँ पर शो कराता है। इस तीनों को लेकर 30 को कैलकुलेट किया जाता है, आप देख सकते हैं 15, 10 और 5। तो इसका पर आपको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, आपको चीज सबसे पहले चेक करना है नॉर्मल मॉर्फोलॉजी अगर आपका 4% से ऊपर है, फिर आप समझ लेंगे कि आपका स्पर्म नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी आ जाएगा 4% से अगर ज्यादा है। उसके बाद लास्टली मैं बताऊंगा केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं
सीमेन फ्रुक्टोस क्वालिटेटिव, यानी सीमेन के अंदर फ्रुक्टोस मौजूद होता है। ये जो फ्रुक्टोज मौजूद होता है ये हमेशा नॉर्मल रेंज इसका पॉजिटिव होना चाहिए, आप देख सकते हैं पॉजिटिव होना चाहिए और रिजल्ट में पॉजिटिव आया है, यानी सीमेन के अंदर फ्रुक्टोज पॉजिटिव होना चाहिए यानी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है फिर आपको काफी सारा दिक्कत हो सकता है, आपका प्रेगनेंसी आने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो फिर आपको डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये मैंने जितना सारा आपको बताया, जो नॉर्मल रेंज मैंने बताया इस साइड में आप देख सकते हैं, जितना सारा नॉर्मल रेंज मैंने बताया WHO के अनुसार में बताया, ये जितना सारा पॉइंट मैंने बताया आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा आप तीसरा बार देख सकते हैं, रिव्यू करके आप देख सकते हैं, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा है, रिपोर्ट पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक, आप जाके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके आप कुछ भी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, मैं आपको आपका रिपोर्ट को एनालिसिस करके मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दूंगा। तो दोस्तों आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जिस तरह का बताने का कोशिश किया है कि सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करने के बाद उस रिपोर्ट को खुद से घर बैठे पढ़ने का सही तरीका क्या है, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी टाइप का दिक्कत आ रहा है तो आप इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज फिर भी आपको रिपोर्ट पढ़ने में समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा आप मुझे रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, मैं एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपका रिपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आई होप आज की इस वीडियो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।